हाँ जी, तुहाडा बहुत स्वागत है अपने चैनल उत्ते। अज दी वीडियो च आपां गल करांगे काफ़ी इहनां दे जिहड़े क्वेश्चन रहेंगे इंडिया टू कैनेडा जिहड़ा ट्रैवल ओपन हो चुका हैगा जो उसदे नवे रूल ने उन्हां बारे दसो की कुछ सानूं जिहड़ी रिक्वायरमेंट्स होणगीआं। ते मैं तुहानूं दस देवां इस टाइम दे उत्ते कैनेडा जिहड़ा बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा हैगा, सानूं एयरपोर्ट दे उत्ते जिहड़ा वापस कीता जा सकदा हैगा कि उहदे नवे रूल ने, कौन कौन जिहड़ा ट्रैवल कर सकदा हैगा ते किहड़े किहड़े डॉक्यूमेंट्स उहदे लई रिक्वायरमेंट नेगे। ते काफ़ी जिहड़े डॉक्यूमेंट ने कह रहे हैं कैनेडा कि तुसीं जेकर अपलोड भी नहीं करोगे तां वी सानूं जिहड़ा उत्थों वापस कीता जा सकदा हैगा। तां सानूं इस वीडियो दे विच जल्द तो जल्द ये चीज़ दसन की कोशिश करूँगा कि सू की कुछ है जी रिक्वायरमेंट होगी तो किस करके जो कैनेडा में जाओगे तो सू किस तरह की प्रॉब्लम नहीं आऊगी। तो वीडियो ने शुरू तो लैके अंत तक जरूर देखियो, वीडियो से इन्फॉर्मेटिव होगी। तो हम आप जी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहले सू दस दें एलिजिबिलिटीज़ की ने गियाँ। देखो सब तो पहले सोडे लिए कोविड 19 की जी नैगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 18 घंटे तो पुरानी जी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जेकर रिपोर्ट है जी 18 घंटे तो पुरानी होगी तो सू एंट्री जी कर नहीं दी जाएगी। तो सू दस देव उन्होंने एक सुजैश हैगा तो सू कहूँगा कि तुम भी उतों ही टैसट करवाना गा, सुजैशन नहीं कह सकते उन्होंने, तो कहने का मतलब यही है कि तुम उतों ही जो टैसट करवाना गा दिल्ली एयरपोर्ट के उत्ते जो टैसट होंगे गा जिससे उन्होंने कहा है जेनेस्ट्रिंग्स नाँ की जी एक उत्थे लैबोरेटरी हैगी उतों तुम टैसट करवाना गा, उ टैसट जो मनिया जाऊगा। उस टैसट के क्यू आर कोड होना जो इंपोर्टेंट हैगा। मैं सुनो ये सुजैसट कर रहा क्योंकि जो तुम पंजाब कोई लैबोरेटरी तो मान लो कि लसेंस वाली लैबोरेटरी तो करवाने हो गए तो भी सूँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सूँ कहूँगा कि एयरपोर्ट उत्ते घट्टो घट 8 घंटे पहला पहुंचो। ये मैं सुनो क्यों कह रहा है क्योंकि जो लैबोरेटरी वाले ने वो कह रहे हैं कि असी 4 से 6 घंटे जी रिपोर्ट है जी प्रोवाइड कर देने जी तुम करवाओगे। बट जेकर मान लो कई बार रिपोर्ट में टाइम लग गया, मान लो 6 घंटे रिपोर्ट में लग गए अगे, जेकर 6 घंटे पहला ही उत्थे पहुंचे तो सूँ उत्थे बोर्ड नहीं कर दिते जाऊगा क्योंकि जो फ्लाइट का टाइम है वो निकल चुका होगा क्योंकि बोर्डिंग भी अद्धा घंटा पहला जी बंद कर दी जाती है, अद्धा घंटा पहला 15 मिनट पहला यह चीज़ जी बंद कर दी जाती है। तो सूँ कहूँगा घट्टो घट 8 घंटे पहले तुम जाओ उत्थे रिपोर्ट आपकी करवाओ। तो सूँ कहूँगा कि तुम अपनी पहली बुकिंग करके चलो जो कि सूँ लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस न्यूज़ का भी, तो जिते उत्थे जाके बुकिंग करनी है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तुम उत्थे जाके जी अपनी टैसट की पहली बुकिंग करवा लो, इतों ही जाके बुकिंग करवा लो तो उत्थे आके जो अपना टैसट दे दो। तो यह सब तो पहली रिक्वायरमेंट है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है। 18 घंटे तो बाद पुरानी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए तो 8 घंटे पहला लगभग एयरपोर्ट पर पहुंचो तो अपना टैसट करवाओ या फिर उत्थे होटल बुक कर लो आपका एक रात जो पहला उत्थे पहुँच सकते होंगे। इस तो बाद है जो सारे डॉक्यूमेंट ने जो चैक किए जाएंगे जिमें कि जो कि अराइव कैन के उत्ते अपडेट करने के जिमें कि वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट हो गए ना, सारे सर्टिफिकेट जो चैक किए जाएंगे तो थोड़ी कोविड 19 की रिपोर्ट चैक की जाऊगी तुम्हें भी जो एंट्री करोगे तो सूँ उत्तर दस देव तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए होने चाहिए ने अराइव कैन के उत्ते। जेकर नहीं किए हो भी सूँ एंट्री डिनाई किया जा सकता गा या फिर सूँ कहा जाऊगा कि तुम उत्थे बह के ही अपने जो डॉक्यूमेंट ने जल्द तो जल्द अपलोड करो। मैं सूँ कहूँगा कि इस टाइम के उत्ते उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लगभग उन्होंने जी एंट्री डिनाई ही करना गा। तो सूँ कहूँगा पहला ही अपने सारे डॉक्यूमेंट कोविड 19 की वैक्सीन के सर्टिफिकेट या फिर होर टिकट वगैरह सब कुछ है तुम आपका अपलोड करके चलो अराइव कैन एप्लीकेशन के उत्ते, वो भी तुम्हें डाउनलोड करनी जरूरी हैगी तो सारा कुछ करना। तो नैगेटिव कोविड 19 की रिपोर्ट है जी जरूर देखी जाऊगी वो असली है या नकली वो अपना चैक करके इस तो बाद ही सूँ अंदर बैठन दिता जाएगा। जेकर उन्होंने किसी भी तरह की कोई मिसटेक लगी तो सूँ उतो वापस किया जा सकता गा, 100% कह रहा मैं सूँ। तो नैक्सट आप गल कर लें कि काफ़ी इन्हों का क्वेश्चन आता कि कोविशील्ड है जी प्रूव है साढ़े कोविशील्ड लगी हुई है। देखो कोविशील्ड में मानता है कोविशील्ड वाले किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जी नहीं आऊगी, बट जिन्हें कोवैक्सीन लगी हुई है वह कोई फायदा नहीं है क्योंकि कैनेडा जो कोवैक्सीन नहीं अप्रूव करता है। तो नैक्सट हम गल कर लें कि असी जोड़ा है इंडायरेक्ट रूट उत्तों की जा रहे हैं काफ़ी जने क्योंकि उन्होंने पहलों दुकिंग जीतिया हुई है तो नॉन रिफंडेबल होने करके जो है उतों ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो कि साढ़े लिए भी 18 घंटे पहलों की रिपोर्ट चाहिए है जी, नहीं सोडे लिए 18 घंटे पहलों की रिपोर्ट नहीं चाहिए, तुम जिस कंट्री के जा रहे हो उस दिया चैक करनी ने 72 आवर्स पहला या 48 आवर्स पहला गी तुम उतों की जाना है। बट थोड़ा टैसट जो रिक्वायरमेंट ये हैगी हैगी जिस भी कंट्री भी तुम जा रहे हो वो तो सूँ 72 आवर्स पहला जो टैसट रिपोर्ट है जी होनी चाहिए है। जेकर सोडे लिए नहीं होगी तो सूँ उतों जी एंट्री नहीं कर दी जाएगी। बट कैनेडा ने इस ये भी चीज़ किया गा तुम जी भी कंट्री भी ट्रैवल कर रहे हो कंट्री के जो रूल और रेगुलेशन ने चैक करने के कि वो कंट्री किस तरह सूँ दस रही है कि जेकर कोई तुम पॉजिटिव आने हो या कुछ भी होंगे गा तो सूँ उत्थे क्वारंटीन भी करना पै सकता ज अपनी कंट्री वापस भी जाना पै सकता। उस कैनेडा की जो कोई भी हथ नहीं है तो सूँ कहूँगा कि आपका तुम्हें ध्यान रखना है जो भी थर्ड कंट्री के उत्ते जाना गा। तो ये चीज़ा जी 72 आवर्स पहला की रिपोर्ट चाहिए है सूँ किस तरह की 18 घंटे पहला रिपोर्ट नहीं चाहिए होगी। बट जेकर डायरैक्ट ट्रैवल कर रहे हो तो सूँ 18 घंटे पहला की ही रिपोर्ट चाहिए, 18 घंटे तो बद पुरानी जी नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आप गल करते हैं काफ़ी जने कोविड 19 तो पॉजिटिव हुए हैं तो उन्होंने जेकर 14 दिन तो लैके 180 दिन हो चुके हैं तो वो अपने क्वारंटीन तो जी छोट थोड़ी बहुत ही पा सकते हैं तो वो अपना वो चीज़ का
अपलोड करके चलने तो वह सबूत उन्होंने प्रॉपर होना चाहिए जो कि सही होना चाहिए। जेकर वो चीज़ गलत है तो भी सूँ जो है तो वापस किया जा सकता। मैं सूँ कहूँगा बाकी रिस्क नहीं लेना है। जेकर तुम वैक्सीनेशन दोनों डोजे लगवा चुके होंगे तो उस चीज़ ना ही अगर ट्रैवल करे हो इस तरीज ना जो ट्रैवल करना थोड़ा जहा प्रॉब्लम फेस करनी पै सकती है क्योंकि काफ़ी जो टैसट ने अपने यह जी लैबोरेटरी तो होते हैं जो कि कैनेडा वालों अप्रूव नहीं कीतिया है ज गवर्नमेंट वालों अप्रूव नहीं कीतिया होंगे तो इस चीज़ का हमेशा तुम्हें ध्यान रखना गा। तो अज्ज की वीडियो सुनने यही शेयर करना सीगा। बाकी सुनो मैं जो लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा जेकर सुडा होर कोई भी क्वेश्चन है तुम कमेंट के पुछ सकते हो या इंस्टाग्राम के उत्ते मैसेज कर सकते हो। मैं सुडा जल्द तो जल्द जो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बाकी जिस तरह का भी कुछ लिंक चाहिए होगा मैं सूँ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तुम कमेंट कर सकते हो मैं उत्ते सूँ जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा सुडे कमेंट के नीचे। तो अज्ज सूँ यही शेयर करना प्लीज़ ये चीज़ा सारिया का ध्यान रखियो। 8 घंटे पहला जो एयरपोर्ट पर पहुंचो अपने 6 घंटे के रिपोर्ट लो। हो सकता वो 4 घंटे भी आ जाए हो सकता 5 घंटे भी आ जाए हो सकता 2 घंटे भी आ जाए। बट मैं सुनूंगा 6 घंटे जेकर लगते हैं किसी रिपोर्ट में टाइम लगता क्योंकि उत्थे बहुत जने होंगे ने जिहड़े अपनी रिपोर्ट करवाउन गए होंगे ने गे सूँ फोन पर मैसेज आ जाता। इस तुम तो प्रिंट कढ़वा के जो रिपोर्ट है जो जमा करा सकते हो। चल सुन यही शेयर करना सगा कि यह सारी इनफॉर्मेशन छोटे लिए जरूरी होगी तो छोटे को होर किस तरह की कोई वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके जरूर दसो। तो अच्छा यही शेयर करना सी। ओके जी थैंक यू।